ये स्टोरी है, या अल्लाह मैं क्या करूं। मक्का के लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे, वो झूठ बोलते, कम तोलते और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते। वो बड़ों की इज्जत ना करते, ना छोटों से मोहब्बत, और तो और वो अल्लाह की बजाय बुतों की इबादत करते थे। सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों को लड़ते झगड़ते और बुतों की इबादत करते देखते तो इन्हें बहुत दुख होता। वो सोचते कि इन सबको कैसे समझाया जाए। कोई बात समझ में न आती तो वो परेशान होकर मक्का से थोड़ी दूर गारे हेरा में चले जाते। सत्तू और पानी साथ ले जाते। जब तक सत्तू और पानी खत्म ना हो जाता वहीं रहते। फिर दोबारा सैयदा खतीजा के पास आते और मजीद सत्तू और पानी ले जाते। सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में आने वाले गरीबों को खाना खिलाते, अल्लाह को याद करते और आसमान जमीन और लोगों के हालात पर सोचते। वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए कि किस तरह मक्का वालों को लड़ने झगड़ने और बुतों की इबादत करने से रोकें। ये थे हमारे प्यारे नबी। देखा कितना सोचते थे लोगों के बारे में।